हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री वह है गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के क्षेत्र, उसके कोणों है और उसके आधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम किसी भी त्रिभुज के है उसके कोणों की माप, उसके भुजाओं की माप, उसके क्षेत्र, ये सब की जो जानकारी प्राप्त होती है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम हमारा पहला टॉपिक है दूरी है, ऊंचाई तथा दूरी का परिकलन, ऊंचाई तथा दूरी का परिकलन। तो उसमें दो है, पहला क्या है उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। ठीक है, पहला क्या है उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। होता है उन्नयन कोण, देख लीजिए
ठीक है। आगे है त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुजों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध, त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच में आपस में क्या संबंध होते हैं, ठीक है, उसके बारे में लेते हैं। क्या क्या पहला क्या है, साइन, ज्ञान नियम या फिर इसको बोलते हैं
भुजा और उसके सामने वाला कोण, जहां पे भुजा है जैसे ए है, ये भुजा है बटे उसके सामने वाला कोण क्या है, कोण ए है तो साइन ए, ठीक है, भुजा उसके बटे में क्या है उसके सामने वाला कोण बराबर बी भुजा, बी भुजा के सामने वाला कोण क्या है साइन बी बराबर सी अपॉन सी के सामने वाला कोण क्या है साइन सी, ठीक है, सी के सामने वाला कोण क्या है साइन सी, ठीक है, ये हो गया, ये कौन मिला है यार, इसी को क्या लिखते हैं यार, या ए ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है, साइन सी इक्वल टू लैम्डा, ठीक, गामा ये क्या करते हैं मान लेते हैं लैम्डा मान लेते हैं, ठीक, लैम्डा मान लेते हैं या के मान लेते हैं, किसी को के भी मान लेते हैं, है के मान लो लैम्डा जो भी मानना है माना, उसके बाद क्या होता है ए इक्वल टू क्या होता है के मान स्मॉल के मान के, ठीक, तो ए इक्वल टू क्या होगा स्मॉल के साइन ए टी और स्मॉल बी इक्वल टू क्या होगा स्मॉल के साइन बी और स्मॉल सी इक्वल टू क्या होगा स्मॉल के साइन सी, ठीक, ओके, ये था साइन दिया, अब कोसाइन दिया, अगला क्या देखते हैं कोसाइन दिया, ठीक है।
टू बी सी कॉस ए, ठीक उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार क्या होगा कॉस बी का फॉर्मूला क्या मिलेगा कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए टू सी ए, ठीक है बी यूज हुआ टू सी ए, ठीक तो उसका दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी टू सी ए कॉस बी ये बनेगा, ठीक है टू सी ए कॉस बी। उसके बाद आता है तीसरा कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, या फिर सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी, ठीक है माइनस टू ए बी कॉस सी। ये क्या है आपके कॉस फॉर्मूला है कोचिया फॉर्मूला, ठीक है देखिए इसका क्या है प्रमेय सूत्र। अब इसके तीन फॉर्मूले क्या हैं? पहला ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है इसी प्रकार दूसरा क्या है b इज इक्वल टू है c cos b इज इक्वल टू क्या है a cos c प्लस c cos a, ठीक है a cos c प्लस cos a, ठीक है और तीसरा क्या है c इज इक्वल टू a cos b प्लस
cos b plus b cos a, ये क्या है तीनों प्रक्षेप के फॉर्मूले हैं। ओके थैंक यू स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए।